शो फर्स्ट एपिसोड बहुत बेहतरीन रहा, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? आपको अच्छा लगा? हाँ, बस यही कहना चाहेंगे कि अगर फर्स्ट एपिसोड आपको अच्छा लगा तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर चल बाकी है मेरे दोस्त, ऐसे ही देखते रहेंगे। आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा आप दोनों बताना चाहे, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बता दीजिए। कैरेक्टर सी, हर इंसान का एक कैरेक्टर होता है रियल लाइफ में, है ना, कि वो कब गुस्सा करता है, कब हंसता है, कब उसको रोना आता है। तो श्रुति भी एक ऐसी कैरेक्टर है जो फुल ऑफ फन है, फुल ऑफ एनर्जी है, और उसको हर मोमेंट को कैप्चर करना बहुत पसंद है, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना बहुत पसंद है। सो शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी बेसिकली, एंड शी इज जस्ट लाइक मैम। रेवा का ये कैरेक्टर है कि वो बहुत ब्रेव है, काफ़ी ड्यूरेबल है, और उसका तो कैरेक्टर भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि जहाँ जाती है सब कुछ अच्छा हो जाता है, यू नो, बट बिगड़े काम भी बनने लग जाते हैं। तो आई एम लविंग टू प्ले रेवा, और वो रेवा असली में है भी, थोड़ी सी मतलब एकदम प्यारी सी छोटी है। ओके, आउटडोर शूट आप लोगों ने किया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बताना। गॉड, आपने ये जो एपिसोड देखा ना, हमें साइन पे एपिसोड के साथ में हमें ना वो सब दिख रहा था, क्योंकि हमें वो BTS दिख रहे थे कि ये पानी में घूमने के पहले क्या हुआ था, कैसे मैं इसके कंधे में एक शॉट में ये तैरने की कोशिश कर रही थी, नो नॉट उस पर, ओके, ये तैरने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसके पीछे ऐसे बैठी हुई और हंस रही हूँ, और डायरेक्टर सर ने कट बोला कि मनीषा हंस क्यों रही हो, हंसो मत, बिकॉज़ शी वाज जंपिंग ऐसे ऐसे। सो मुझे वो सारे BTS दिख रहे थे, और हम लोगों ने रूम साथ में ही था हमारा, सामने सनराइज सनसेट, वो सो ब्यूटीफुल, वी हैड सो मेनी मेमोरीज शेयर, साथ में खाना खाते, मतलब मॉर्निंग कितने दिन हम 10 दिन रहे, 8 से 10 दिन हम आ रहे हैं, और अब आप देख सकते हैं हम लोग आपके जो को स्टार है उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो मेन लीड है कितना वो मस्ती करते हैं, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे। अच्छे इंसान है यार, बहुत अच्छा लड़का है, और हमें सच में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम खुद यू नो अच्छा फील करते हैं। चलो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेट पे जब आपका फन फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, सो यू वुड वांट टू वर्क, यू वुड वांट टू गिव सजेशंस कि अच्छा ये वाले सीन को ऐसे करें क्या, ये वाले सीन को ऐसे करें क्या, और उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करते हैं। इवन इफ लाइक ही सो एक्सपीरियंस, देन ऑल्सो ही इज़ लाइक नॉट क्या एक्सक्यूज मी मुझसे वेरी डाउन टू अर्थ, साथ में खाते हैं, चलना आ जाए, भूल जाते हैं, बट वो नहीं भूलते हैं, वहाँ पे बिठाते हैं, ब्रेक में ऐसे दरवाजा खोल के, अरे तुम लोगों ने खाना शुरू कर दिया, चलो चलो ऊपर आओ, नीचे उसने भी खाया कि नहीं खाया, तो दंगल है, दंगल मतलब हर जगह दिखाई देता है, नॉन मेट्रो सिटी में सबसे ज़्यादा फोकस है, तक कितने एक्साइटमेंट है कि अभी आप जो गांव-गांव तक आप लोग पहुंचने वाले हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मैंने बोला ना हम इवन हम दोनों ने ही इस चीज़ का, और जो बैनर हमारा है एक्चुअली हम दोनों की स्टोरी वैसे, क्योंकि हमें कैरेक्टर है तो हर एक्टर बट हम दोनों का फेस भी सेम चल रहा है, हर चीज़ सेम चल रही है, तो हमने बहुत वेट किया है, और वी आर सो एक्साइटेड, हम दोनों खुद एक एक सेकंड में जब रूम में बैठे बात कर रहे थे तो हम थैंक गॉड लिटरली ये बोलते रहते हैं। आखिर में आप अपने फैन से क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से? फैन से यही कहना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है अभी तक, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, इस शो की भी, इस शो को भी उतना ही प्यार देना, आपके फैन एडिट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और मेरे और रेवा के भी बहुत सारे फैन एडिट्स बनाना है इस बार, और क्योंकि हम सच में भी बेस्ट ही हैं। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से प्यार करते रहना, कीप लविंग अस, कीप ब्लेसिंग अस, और हम आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ रेवा, आप लोग मुझे बताइए क्या क्या चीज़ आप एग्जैक्टली है, यू कैन पुट इट अस, DM अस और टैग अस ऑन इंस्टाग्राम, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट व्हाटएवर यू गाइस डिमांड। लॉट्स ऑफ लव।